मैं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव का परिणाम आ गया है। यहां बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते समाजवादी पार्टी को हरा दिया है और बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने सपा उम्मीदवार आसिम राजा को करारी शिकस्त दी है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत। आजमगढ़ में भाजपा ने लगाई सेंध। घनश्याम सिंह लोधी ने हासिल की बड़ी जीत। सपा के आसिम राजा को मिली करारी शिकस्त। घनश्याम के आगे आसिम चारों खाने चित। सपा के वोट बैंक में बीजेपी ने लगाई सेंध। रामपुर सीट पर उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है और बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने एक बड़ी जीत दर्ज कर सपा के गढ़ में सेंध लगा दी है। बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने 367,104 वोट हासिल किए, जबकि सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने 325,056 वोट हासिल किए। हालांकि शुरुआत के तीन राउंड की गिनती तक दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखी गई और पहले दो राउंड तक तो सपा के आसिम राजा करीब 3,000 वोट से आगे थे और इसके बाद समीकरण तेजी से बदले और सपा प्रत्याशी ने धीरे धीरे करीब 15,000 से ज्यादा वोटों की लीड ली। इसके बाद 16वें राउंड की गिनती के बाद समीकरण बीजेपी के पक्ष में बदलने लगे। 17वें राउंड की गिनती जब पूरी हुई तो बीजेपी ने 14,140 वोट से बढ़त बना ली। इसके बाद ये बढ़त लगातार बढ़ती गई और बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। मैंने बता दी, कार्यकर्ताओं का उत्साह जो दिख रहा है आपको, ये है ना उसकी मेहनत का फल है। जो आज जो कमल खिलने जा रहा है तो हमारे जो नेता हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं पार्टी के भाई वर्कर हैं, है ना, उनकी जीत का ये कमल खिलाया। अच्छा, जीत का सिरे किसको देना चाहेंगे लोधी जी आप? मैं अपने पार्टी के नेतृत्व जो नेता हैं, नेतृत्व सीट के नेता हैं उन्हें दूंगा और जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें दूंगा और जो यहाँ के आम जो छोटे कार्यकर्ता हैं पूर्व स्तर तक के, उनकी है ना, उनकी मेहनत आज रंग लेकर। अच्छा, आसिम राजा साहब आरोप लगा रहे हैं कि झूठी जीत है ये, तो क्या कहेंगे आप? भाई मैं तो देख रहा हूँ झूठी जीत तो नहीं है। मैं तो अभी थोड़ी देर बाद मैं बता रहा हूँ ईवीएम में भी थोड़ा वो कर लेंगे, ईवीएम कर लेंगे, ये तो उनका। क्या कहना चाहेंगे इस जीत को? मैंने बता दी, कार्यकर्ताओं का उत्साह जो दिख रहा है आपको, ये है ना उसकी मेहनत का फल है। जो आज जो कमल खिलने जा रहा है तो हमारे जो नेता हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं पार्टी के भाई वर्कर हैं, है ना, उनकी जीत का ये कमल खिलाया। अच्छा, जीत का सिरे किसको देना चाहेंगे लोधी जी आप? मैं अपने पार्टी के नेतृत्व जो नेता हैं, नेतृत्व सीट के नेता हैं उन्हें दूंगा और जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें दूंगा और जो यहाँ के आम जो छोटे कार्यकर्ता हैं पूर्व स्तर तक के, उनकी है ना, उनकी मेहनत आज रंग लेकर। रामपुर से विधायक बनने के बाद आजम खान ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यहां लोकसभा उपचुनाव कराए गए। 2 साल से ज्यादा वक्त तक जेल में रहकर बाहर आए आजम खान ने अपने समर्थक असीम राजा को इस सीट से उतारा था। खुद आजम ने असीम के नाम की घोषणा की थी और वो अपने दम पर ही पूरा प्रचार कर रहे थे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए एक बार भी नहीं आए। वहीं बीजेपी ने इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत ने ये साबित कर दिया है कि जनता का प्यार और विश्वास बीजेपी के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। हमारे इस रिपोर्ट पे इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।